नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टैगलाइन जी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी M13 की, करने वाले हैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग, और आपको दिखाने वाले हैं उसका फर्स्ट लुक, और आपको बताने वाले हैं उसका फुल रिव्यू डिटेल इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताना आपको सैमसंग का M13 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपको सैमसंग गलेक्सी M13 का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लिखा ही होता है बाहरी M13। इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप सभी को पता है एक मैनुअल होता है और केस होता है, पर इसमें आपको केस देखने को नहीं मिलता और गाइड देखने को मिल जाती है। और इसको भी रखते हैं साइड में। ये है हमारा फ़ोन, फ़ोन को हम भी निकालते हैं बाहर, फ़ोन को भी रखते हैं साइड में और चलते हैं बॉक्स में। आपको और क्या मिलता है, आपको एक अडप्टर देखने को मिल जाता है, और आपको USB टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको एक अडप्टर देखने को मिल जाता है जो कि ये 5000 वोल्ट का, जो कि बहुत अच्छा चार्जर है, और इसको भी रखते हैं साइड में। और इसमें आपको सिम अडप्टर टूल देखने को मिल जाती है। ये था हमारा बॉक्स का कंटेंट जो आपको बॉक्स में देखने को मिल रहा है। चलो इसको हम रखते हैं साइड पर और चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ, और आपको दिखाते हैं सैमसंग M13 का फर्स्ट इंप्रेशन। फ़ोन को ऑन करते ही आपको वाटरड्रॉप नोच के साथ स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि है 6.4 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है सैमसंग के M13 में। और साथ ही साथ हम इसके बैक पैनल की बात करें, आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, और आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और पीछे की आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत शाइनिंग दे रही है M13 में। और साइड में आपको एक वॉल्यूम लॉकर और पावर लॉकर देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको एक सिम अडाप्टर टूल की किट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप सिम लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, और आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब इसके प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको एक्सोनस 7904 का एक्सोनस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है सैमसंग की तरफ से, और आपको इसमें 4GB रैम प्लस 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस वीडियो में हम दिखाई देते हैं आपको, आप देख सकते हैं आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको बैटरी, इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि सैमसंग के M सीरीज़ के स्मार्टफोन निकले हैं आपको इसमें सैमसंग M20 और M13 में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और कैमरे की बात करें, पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट की तरफ सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अब इसकी फ़ोटो की बात करें, या जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इतने अंधेरे में भी आपको फ़ोटो क्लियर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से, जो कि सैमसंग के कैमरे होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सैमसंग M13 में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक देखने को मिल रही है। जैसे कि हम क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इतने अंधेरे में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम नॉर्मल की बात करें, इसमें नॉर्मल फ़ोटो की आप देख सकते हैं, ये हम टेलीफोटो की लेंस की बात करते हैं, आप देख ही सकते हैं दोनों में बहुत अच्छी क्वालिटी के पिक्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप सेटिंग में जाकर अपनी फ़ोटो का साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको चाहिए होगा, और सेल्फी में भी कर सकते हैं। बस इतना ही था सैमसंग के गैलेक्सी M13 की अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में और रिव्यू के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।